सिटी बनाने के लिए सरकार ने बहुत टाइम पहले ही मुकदमा, अब लगन कार्रवाई का साथ तमाम। ये जो आप मेरे पीछे दुकानें देख रहे हैं, बिग बॉस अन्य दुकानें, ये लगातार निगम का कहना यह है कि ये दुकानें जो बनी हुई हैं वो निगम की जगह में बनी हुई हैं और निगम अब इस जगह को स्मार्ट सिटी सड़कें चौड़ी करेगा और इन्हें सबको हटाएगा। और आज जब नगर निगम की टीम पहुंची तो यहाँ के व्यापारियों ने जाम लगाया। मैं दिखाऊंगा, तमाम कैमरामैन दूंगा, चल के दिखाएं। ये बहुत तगड़ा जाम, यहाँ इन्होंने रोड जाम कर दिया पिछले एक घंटे से रोड जब का जाम है। किसी तरह की कोई यहाँ महिलाओं से बात करूंगा। ये जो आपने जाम लगाया क्यों लगाया? उनको एक मिनट में इन्होंने ऐसा कर दिया कि हमारा कुछ भी नहीं है, बाहर गेट या सर अंदर करके बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? दुकान चलाने छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर बैठे हुए बच्चे, हम क्या करेंगे अपना? हमें अपनी दुकानें चाहिए, हमें नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, वरना हम आत्महत्या कर लेंगे यहीं पर। और भी लोग हैं, मेरी स्कूल ड्रेस की दुकान है और मेरे पिताजी के टाइम की दुकान है जिसे आज हम संभाल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, ये हमारी जीविका है। और आज लाल रंग का निशान लगाने के बाद में और आज ही नोटिस भी नहीं हटा दीजिए आज, और कल लेता हूँ खुद हटा देंगे। आज मैं ये जानना चाहूंगा क्यों हटाना चाहता है, हवाला देकर हम हटाना चाहते हैं। किसको स्मार्ट बनाना है? अरे गरीबों को स्मार्ट बनाना तभी स्मार्ट सिटी बनेगी। या हमें हटाकर क्या साबित करना चाहते हैं? इससे क्या बनाएंगे? जब नगर स्मार्ट सिटी को देखने वाला ही नहीं होगा, हम लोग ही नहीं होंगे। लगातार जाम की स्थिति है। मेरे पीछे देखिए, ये दुकानदार लगातार जाम लगा रहे हैं। और भी है उनके पास भैया, आप कहाँ रहते हैं? यही दुकान है मेरी, टेलर की। जेल रोड जी जी 50 साल से। अच्छा 50 साल जी। तो आज क्या हुआ? तो आज इन्होंने ये करा के लोग आए जी, दुकानों में निशान लगा दिए, कहते दुकानें हटाओ। कौन लोग आए? 45 साल से दुकान है, मेरे ससुर के टाइम की दुकान है। इतने सालों से पुरानी दुकान आप कैसे हटा सकते हैं? ये बताइए। 45 साल, आप बताइए क्या? 62 साल आज तक क्या दुकान निगम द्वारा? पहले नगर निगम के आदमी आए और वो निशान लगा रहे हैं। उसके नीचे जब बाबू आए बोले कल तक छाक कर सामान निकाल लो, नहीं तो तोड़ दिया। अच्छा, आप तो पुराने क्यों तोड़ना चाहता है? ये तो कोई बात नहीं, तो किराया भी ले रहे हैं सब कुछ। स्मार्ट सिटी का ये था, हम सड़क का चौड़ीकरण करेंगे। चौड़ी का हो रही है और छोटी हो रही है, और छोटी का हो रही है, यहाँ पे होती हो रही है सड़क। आप ये बताइए, और हम लोगों को उजाड़ के चौड़ी करेंगे? ये हम कहाँ जाए, हमारे बच्चे कहाँ जाए? ऐसा स्मार्ट सिटी किस काम का? जब यहाँ पे आगे पहले कह रहे थे गरीब बढ़ाएंगे, अब गरीबी हटा रही है, रोजी रोटी नहीं, गरीबों को हटा रही है। गरीबी नहीं हटा रहा, गरीबों को हटा रही बीजेपी सरकार, नगर निगम। रोजी रोटी हम लोगों के आ बच्चे लेके कहाँ जाए? हम अपने सरकार 70 साल पुरानी दुकानें हम लोगों की, पुरानी दुकानें हैं, किसी की दादलाई तो किसी के ससुर के जमाने की। मगर अब इन दुकानों को निगम प्रशासन चिन्ह लगाकर स्मार्ट तोड़ना जा रहा है, जिनको लेकर इनमें आक्रोश है। और इसी चक्कर में इन्होंने चक्कर जाम का रखा है। अब तो ये देखना होगा कि ये जाम कब खत्म होता है। अपने सहयोगी मनोज के साथ मैं सागर अतरू, पंजाब के सी मुरादाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।